देयर, इस वीडियो में लावना की तरफ से आपके लिए है एक बहुत ही स्मार्ट डिजिटल लॉक LA15। लावना अपने सभी लॉक्स आपकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनाता है। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि LA15 के कंपोनेंट्स क्या है, इसे इंस्टॉल कैसे करना है और इसे ऑपरेट कैसे करना है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कटिंग डायग्राम को उस हाइट पर प्लेस करें जहां लॉक इंस्टॉल करना है। मार्किंग बनाकर कटिंग और होल कर लें। कटिंग होने के बाद मॉर्टिस को डोर पे प्लेस करें और इंडोर या आउटडोर अपने डोर की ओपनिंग के अकॉर्डिंग टर्न करके इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद मॉर्टिस में यहां दो स्क्रू लगा लें। नेक्स्ट आउटडोर हैंडल लें और इसे भी अपने डोर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेफ्ट या राइट एडजस्ट कर लें। डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस यूनिट की बैक साइड में इस स्क्रू को ओपन करें और अपने हैंडल को इस तरह रोटेट कर लें। वापस से स्क्रू को टाइट कर लें। नेक्स्ट पिलर्स लगाने के लिए इन दो स्क्रूज को इन स्लॉट्स में फिक्स करें और उस पे पिलर्स लगा दें। अब सेंटर रॉड लें और इस वायर को सेंटर से पास कर दें। इसके बाद हैंडल को डोर पे फिक्स कर लें। ठीक इसी तरह इंडोर हैंडल की भी डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला स्क्रू खोलें, ये कवर बाहर आएगा। उसके बाद इस वायर को हैंडल के थ्रू पास कर लें। अब इन दो स्क्रूज की हेल्प से दोनों हैंडल्स को जॉइन कर दें। अब बैटरी ट्रे में इस वायर को क्लिप कर दें और 4 AAA साइज की ड्यूरासेल की अल्ट्रा मॉडल बैटरी लगा लें और कवर बंद कर दें। लॉक की इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के लिए अब चौखट में ये साइड प्लेट लगा लें। अब इंस्टॉलेशन चेक करें, आउटडोर हैंडल को नीचे करें, अगर लैच अंदर नहीं जा रहा है मतलब इंस्टॉलेशन करेक्ट है। सबसे पहले इंडोर हैंडल से प्लेट रिमूव करके बैटरी ट्रे निकालेंगे और इस सेटिंग बटन को 2 सेकंड तक प्रेस करेंगे। लॉक के फ्रंट पर ब्लू लाइट ब्लिंक करेगी। इसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर पे 5 बार फिंगर अच्छे से प्रेस करके रजिस्टर कर लेंगे। फिंगर को डिफरेंट एंगल से रजिस्टर करें। फर्स्ट 3 फिंगर्स जो रजिस्टर होती हैं वो एडमिन होती हैं, उसके बाद यूजर फिंगर्स। LA15 में टोटल 20 फिंगरप्रिंट्स रजिस्टर हो सकते हैं। 3 एडमिन फिंगर्स रजिस्टर करने के बाद अब देखते हैं यूजर फिंगर रजिस्ट्रेशन। इसके लिए फिर से सेटिंग बटन प्रेस करें और फिर से ब्लू लाइट ब्लिंक करेगी। अब एडमिन अपनी फिंगर टच करके ऑथराइज करेगा यूजर ऐड करने के लिए। इसके बाद यूजर फिंगर 5 बार प्रेस करवाकर रजिस्टर हो जाएगी। इसके बाद इजिली रजिस्टर्ड फिंगर्स से डोर अनलॉक हो सकता है। अब आते हैं पब्लिक मोड पर। घर में कोई पार्टी हो और गेस्ट को इजी एक्सेस देना हो तो आप इस लॉक को पब्लिक मोड पर भी रख सकते हैं। इसके लिए एडमिन फिंगर सेंसर पर 9 सेकंड के लिए लगा कर रखें। लॉक में ब्लू और रेड लाइट ब्लिंक होने पर फिंगर हटा दें और दोबारा टच करें। ग्रीन लाइट ब्लिंक होने के बाद एक बार फिर से सेंसर को टच करें। आप देख सकते हैं कि अब लॉक बिना किसी फिंगर टच के ओपन हो रहा है। ये है पब्लिक मोड। पब्लिक मोड कैंसिल करने के लिए एडमिन को यही प्रोसेस रिपीट करना है। आपका लॉक वापस नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। लॉक को रीसेट करने के लिए आप सेटिंग बटन को 9 सेकंड तक प्रेस करें। लॉक में ब्लू लाइट ब्लिंक होगी। 9 सेकंड के बाद रेड लाइट ब्लिंक होने पर सेटिंग बटन को छोड़ दें, लॉक रीसेट हो जाएगा। इस लॉक को फिंगरप्रिंट के अलावा मैनुअल की से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन केस अगर कभी बैटरी लो होती है तो आप इसे बाहर से पावर देकर फिंगर से अनलॉक कर सकते हैं और उसके बाद आप बैटरी चेंज कर सकते हैं। फर्दर हेल्प या किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देखा आपने, लावना LA15 को इंस्टॉल करना और यूज करना कितना इजी है। तो आप भी इसे अपने घर लाएं और अपने घर को पहले से ज्यादा सिक्योर बनाएं।